सभी का अपने YouTube चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। जो कि बात इस वीडियो में भी मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, परसुरेशन, जिसको आप लोग डिलीवरी के नाम से जानते हैं, चाइल्ड बर्थ भी बोलते हैं इसको, प्रसव भी बोलते हैं इसको। ठीक है, मैं आज बताऊंगा आपको कि सिंपल वे में कि कैसे प्रसव होता है। इससे पहले जो आपने देखे थे एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, आपने देखा था माँ के गर्भ में कैसे बच्चे का फॉर्मेशन हो रहा है, वो आपने पूरा कंप्लीट अकाउंट पढ़ लिए थे। आज सिर्फ बात करूंगा चाइल्ड बर्थ परसुरेशन के बारे में और बताऊंगा इसमें कि ग्रोथ कैसे होता है, और लास्ट जाऊंगा मेमोरी ग्लैंड में। मेमोरी ग्लैंड जो टॉपिक होगा ये आज का वृहद टॉपिक होगा, बड़ा टॉपिक होगा। ठीक है, लेकिन मैं शुरुआत करता हूँ चाइल्ड बर्थ से, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड में अलग से पहले बता सकता था आपको एक ऑर्गन के रूप में, लेकिन उसको मैंने परसुरेशन तक के लिए बचा के रखा था ताकि इसके बाद ही आपको वो बताऊँ ऐसा करके, ताकि आपको समझ में आ जाए कि लैक्टेशन कैसे होता है और क्यों होता है। ठीक है, तो देखिए फटाफट ये वीडियो परसुरेशन और डिलीवरी, जिसको बोलते हैं आप लोग चाइल्ड बर्थ भी बोलते हैं इसको, प्रसव के नाम से इसको जाना गया है। ठीक है, आपने इससे पहले अगर वीडियो देखे होंगे तो उसमें सारी अकाउंट सारी चीज़ें आपको क्लियरली मैंने बताया है कि कहाँ पर कौन सी प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है, किस प्रकार के टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, तब जाके ये चाइल्ड बर्थ के लायक होती है, बढ़ने के लायक होती है, जन्म के लायक होती है। ठीक है, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए या पहली बार आ रहे हैं चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी लगातार हमेशा और तुरंत पहले मिलता रहे। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, चाइल्ड बर्थ और प्रसव। अब सबको पता है कि जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल या अंतिम ऋतु स्राव चक्र के पहले दिन से 40 वीक तक, 40 सप्ताह तक, अर्थात लगभग 270 टू 280 डेज तक के बाद तक जो गर्भावस्था है वो पूर्ण हो जाती है। ठीक है ना, वो कंप्लीट हो जाती है। कहने का मतलब जो फीटस होता है, जो फोइट्स होता है, वो पूरी तरह से यूट्रस में विकसित हो जाती है, डेवलप हो जाती है। वो जो यूट्रस में विकसित होती है वो उसके लिए जो पीरियड मैंने अभी बताया कि लगभग 40 सप्ताह अर्थात लगभग 9 से 9.5 माह के बीच। ठीक है, ये ड्यूरेशन आप लोग ध्यान में रखेंगे, 40 वीक और 280 डेज और एक और 9 to 9.5 ऐसा बोल सकते हैं, 9.5 महीने की अवधि के लगभग मंथ। ठीक है, इतने में क्या होता है, वो गर्भावस्था कंप्लीट करती है फीटस या फोइट्स यूट्रस के अंदर, और बाद में गर्भ से बाहर आने के लिए रेडी हो जाता है इस ड्यूरेशन को पूरा करने के बाद। ठीक है, तो जो सगर्भता होता है, इम्प्लांटेशन होता है, उसके बाद से लेकर इतने दिनों तक की अवधि के बीच गर्भावधि को जेस्टेशन पीरियड के नाम से जाना गया है। ठीक है, इस पीरियड को जिसमें पूरा बेबी जन्म के लिए तैयार होती है, उस पूरे पीरियड को जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, मैंने अभी बात किया जेस्टेशन पीरियड के बारे में, वो जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो इसी मंथ को कहते हैं जिसमें स्टार्ट टू इन कहने का मतलब होता है जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसके पहले दिन से लेकर इतने सप्ताह, 40 सप्ताह, 40 वीक, 280 दिन, 280 डेज और 9 to 9.5 मंथ तक के काल को जेस्टेशन पीरियड के नाम से जाना गया है। ठीक है, जब ये पीरियड कंप्लीट होता है, इतने दिन की अवधि को पार करता है, तब क्या होता है, जो यूट्रस होता है, यूट्रस में पाई जाने वाली जो मसल्स है, यूट्रस मसल्स है, ठीक है, ये जो यूट्रस मसल्स है ये इसमें लगातार कॉन्ट्रैक्टाइल की प्रक्रिया होगी, कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब संकुचित होंगी, संकुचित होने के कारण अंदर एक दबाव उत्पन्न होगा, उस दबाव के कारण, उस दबाव के प्रभाव से जो गर्भाशय होता है, जो गर्भाशय कहने का मतलब जिसमें बेबी पैक्ड रहता है, जिसको कोरियन मेम्ब्रेन कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूड उसमें पैक्ड रहता है, वो पूरा वहाँ से बाहर आ जाता है, समझ में, गर्भ के बाहर निकलने की उसी क्रिया को शिशु जन्म या प्रसव या परसुरेशन या डिलीवरी या बर्थ ऑफ चाइल्ड बर्थ के नाम से जाना गया है। क्लियर है, इस समय क्या होता है, गर्भाशय या यूट्रस से जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है,
इसी समय जिस समय कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल के कारण क्या होता है, चाइल्ड बर्थ होता है, चाइल्ड बर्थ होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल के कारण चाइल्ड बर्थ होता है। और इस समय भी जिस समय जन्म होता है, इस समय यूट्रस से निकलने वाले जो एक हम लोग नाभि रज्जु के बारे में चर्चा किए थे, नाभि नाल के बारे में चर्चा किए थे, जो कि प्लेसेंटा को भ्रूण से जोड़कर रखने वाला अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। क्या होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड। ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, जिसको हम लोग नाभि नाल या नाभि रज्जु कहते हैं, ये भी नाभि नाल के द्वारा जुड़ा हुआ ये बाहर आता है। ठीक है, इस धागे को बच्चे से बच्चे की ओर बांधकर, बच्चे की ओर बांधकर मतलब बच्चे की साइड से कटिंग करते हैं। ठीक है, उसको रोगाणु मुक्त स्टरलाइज प्रक्रिया करके उसको कट करते हैं, मतलब ऐसे ब्लड की इस्तेमाल करते हैं जो स्टरलाइज हो पहले से, जो जिससे विभिन्न प्रकार के वायरस बैक्टीरिया से मुक्त हो, उसे काट के वो अलग करते हैं, स्वतंत्र करते हैं। क्लियर है? स्वतंत्र करने के बाद गर्भाशय की जो पेशियां रहती है वो फिर से सिकुड़ जाती है, अपनी पुरानी अवस्था में धीरे धीरे आ जाती है। ठीक है, इस दौरान जब प्रसव या शिशु जन्म के कुछ समय बाद एम्नियन, कोरियन और अपरभि गर्भाशय से बाहर आ जाता है, मतलब चाइल्ड के साथ में क्या क्या निकलता है आपको पता होना चाहिए, इसके साथ में क्या क्या बाहर आ जाएगा। एम्नियन, एम्नियन, कोरियन, कोरियन, एम्नियन, कोरियन, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, ये सारी चीज़ें एक साथ बच्चे के जन्म के बाद बाहर आ जाती है गर्भाशय से। ठीक है, इस प्रसव की प्रक्रिया में ये बाहर आ जाती है। जब चाइल्ड बर्थ होता है, इसके लिए संकेत ये होता है कि जब पूरी तरह से गर्भ विकसित हो जाता है तो अपरा ये जो होता है प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा में हल्के मॉल मतलब हल्की सी संकुचित होना शुरू करता है। जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी संकुचित होती है, संकुचित होने की प्रक्रिया को गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहते हैं, फिटल इंजेक्शन रिफ्लैक्स कहते हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पर एक एक्टिविटी होती है जिसका नाम है फिटल इंजेक्शन, फिटल इंजेक्शन रिफ्लैक्स। ये एक्टिविटीज़ होती है, मतलब इसको आप समझ सकते हैं कि नेचुरली उसके अंदर एक विशेष प्रकार का हार्मोन डेवलप हो जाएगा, एक विशेष प्रकार की एक्टिविटीज़ होगी, जैसे इस इंजेक्शन देने के बाद होता है। ठीक है, थोड़ी सी संकुचन होना, उस अवस्था को कहते हैं फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन कहते हैं, इजेक्शन, सॉरी इजेक्शन है, सॉरी इट्स माई मिस्टेक, फिटल इजेक्शन रिफ्लैक्स होता है। ठीक है, इस फिटल इजेक्शन रिफ्लैक्स के कारण और पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन के निकलने के कारण ये जो पूरी एक्टिविटीज़ है ये सक्रिय हो जाती है, मतलब काम होना शुरू हो जाता है। कौन से कार्य होना शुरू हो जाता है? जो ऑक्सीटोसिन का स्रावण होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन का स्रावण शुरू हो, ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ये जो ऑक्सीटोसिन होता है इसके लगातार स्रावण से गर्भाशय जो होता है, यूट्रस जो होता है, उसमें लगातार कॉन्ट्रैक्टाइल होता रहता है लगातार, और तेज़ी से ज़्यादा सिकुड़ना शुरू कर देता है, संकुचित होना शुरू कर देता है। ठीक है, लगातार संकुचन, पहले धीरे रहती संकुचन, बाद में तीव्र हो जाती है, उस संकुचन के ही कारण अंदर लगातार दबाव पड़ने के कारण दबाव क्रमशः बढ़ते जाता है। इस दबाव बढ़ने के बाद जो इन्फेंट होता है, शिशु होता है, माँ के गर्भाशय से जनन नाल, जिसको अभी अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ वो शिशु योनि द्वार से, वेजेना एपरेचर से वो बाहर निकल आती है, बाहर निकल जाती है। क्लियर है? ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रसव कहलाता है। आप समझ गए होंगे प्रसव कैसे होता है। प्रसव का जो कंट्रोल होता है, मैंने बताया आपको कि पिट्यूटरी ग्लैंड के ऑक्सीटोसिन के सिक्रेशन से प्रारंभ होता है। इस दौरान एक और दूसरा हार्मोन बनता है जिसका नाम आता है रिलैक्सिन। ठीक है, ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है ये चाइल्ड बर्थ के समय वेजाइना और यूट्रस को और ज़्यादा फ्रॉड करता है, और ज़्यादा फैला देता है, और चाइल्ड बर्थ को बहुत आसान बना देता है। क्लियर है? क्लियर है? रिलैक्सिन हार्मोन्स का जो श्रावण होगा वो वेजाइना को और यूट्रस को फिर चौड़ा करेगा, ब्रॉड करेगा, जिससे प्रसव आसान हो जाता है। ऑक्सीटोसिन का काम होता है, ऑक्सीटोसिन का जो सिक्रेशन होता है ये यूट्रस को, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्टाइल करने में जिम्मेदार होता है।
ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल अर्थात संकुचित करने में मददगार होता है, संकुचित करने, सिकुड़ने में मददगार, ऐसा संकुचित करता है। नेक्स्ट रिलैक्सिंग जो हार्मोन होता है ये योनि मार्ग को और गर्भाशय को चौड़ा करता है ताकि जो बेबी है, जो फिटस बोलते हैं जिसको हम लोग, फिटस आसानी से वहाँ से बाहर आ जाए, ठीक है, वेजेना मार्ग से आसानी से बाहर आ जाए, योनि मार्ग से बाहर आ जाए। क्लियर है, आप समझ गए होंगे। ये पार्चुरेशन डिलीवरी, इसके बाद में होता है ग्रोथ। ग्रोथ कैसे होता है, जो शिशु जो जन्म लिया है, ठीक है, वो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात धीरे धीरे करके उसमें सारी रचनाएं जो पेरेंट में होती है वो सारी रचनाएं इसमें बनना शुरू हो जाता है। मतलब अपने वयस्क के समान या अपने एडल्ट के एनिमल्स के समान ये भी आकार में, सेप साइज में, वेट वगैरह में, वॉल्यूम वगैरह में बढ़ते जाता है। शुरुआत में ये कम रहता है, याद रखना, जिस समय जन्म लेते हैं उस समय छोटा सा रहता है, उसका जो हेड पार्ट रहता है उस पूरे हेड पार्ट पूरे शरीर का 1/4 पार्ट बनाता है, ऐसा हमने बताया था आपको, ठीक है। तो धीरे धीरे करके वो संरचना भी बढ़ती जाती है, आकार भार आयतन भी बढ़ते जाता है। एक समय आता है जब वो एडल्ट के समान हो जाता है, अपने पेरेंट्स के समान हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार जीवों में होने वाली बढ़ोतरी को ही हम लोग ग्रोथ का नाम देते हैं, ग्रोथ या वृद्धि का नाम देते हैं। जब ग्रोथ कम्प्लीट हो जाती है तो जो इन्फेंट रहता है या शिशु रहता है वो पूरी तरह से कम्प्लीट एडल्ट का रूप ले लेता है, ठीक है। अब एडल्ट का रूप ले लेता है मतलब ये क्रिया फिर से चलती है, फिर से प्रजनन की प्रक्रिया होती है और अपनी जाति की जीवों की जनसंख्या में लगातार ये वृद्धि करते रहती है, ठीक है। ये कंप्लीट अकाउंट हुआ परचुरेशन, परचुरेशन डिलीवरी या चाइल्ड बर्थ से संबंधित जितना हार्मोन्स मैंने यहाँ पर बताया है, जितना ड्यूरिंग मैंने बताया है, पीरियड टाइम बताया है यहाँ पर, उसको ध्यान रखेंगे। क्या क्या चीज़ें वहाँ से बाहर आ रही है उसको भी ध्यान में रखेंगे, कैसे वहाँ से डिसेक्ट करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड को या नाभि रज्जु या नाभिनाल को, वो भी सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब मैं आता हूँ सीधा सीधा मेमोरी ग्लैंड में, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको समझ में आना चाहिए या आ गया होगा कि जिस समय गर्भावस्था कंप्लीट हो जाती है और जब चाइल्ड जन्म के लिए तैयार हो जाता है, इन गर्भ में जो बच्चा बन रहा है वो जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है, उस दौरान स्त्री में पाई जाने वाली, मैमल्स की फीमेल बॉडी में पाई जाने वाली टू मेन मेमोरी ग्लैंड, अर्थात टू मेमोरी ग्लैंड उसमें क्या होता है, डेवलप होता है, विकसित होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो मेल होते हैं, मेल में जन्म से ही होता है, उसी अवस्था में रहता है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं होता, कोई डेवलपमेंट नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। मतलब जो चेस्ट पर पाई जाती है उभार के रूप में वो स्तन कहलाता है, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेस्ट बोलते हैं, ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड बोलते हैं। पुरुषों में जो पाई जाती है वो जीवन पर्यंत प्राथमिक अवस्था में भी, प्राथमिक अवस्था में ही रहती है, लेकिन जो फीमेल बॉडीज होता है उनमें एडल्ट होने तक पूरी तरह से यौवनारंभ जब होता है तब से उसके बाद विकसित हो जाते हैं, क्लियरली विकसित हो जाते हैं। पहले चाइल्ड के बाद जब वो यौनावस्था में जब जाते हैं, एडल्ट होते हैं, उस दौरान पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। इसका जो प्राइमरी डेवलपमेंट है, इसका जो प्राइमरी डेवलपमेंट है ये शुरुआत में एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के कारण होता है, ठीक है। जब गर्भधारण के लिए उपयुक्त समय आता है तो हार्मोन्स के ज़्यादा स्रावण के कारण, ज़्यादा सिक्रेशन के कारण ये अपने पूर्ण आकृति को ग्रहण कर लेता है मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। और शिशु जन्म के तुरंत बाद पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रपाली से स्रावित होने वाले एक हार्मोन प्रोलैक्टिन के कारण, कौन सा ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रपाली से स्रावित होने वाले हार्मोन, जिसको आपने सुना भी प्रोलैक्टिन, ठीक है, ये इसका सिक्रेशन करता है। प्रोलैक्टिन ही इन मेमोरी ग्लैंड मिल्क सिक्रेशन को, मिल्क उत्पादन को या प्रोडक्शन को प्रेरित करता है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। और इसका जो पश्चपाली होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो हार्मोन एक का स्रावित श्रावण करता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये प्रोलैक्टिन जो होता है अग्रपाली से स्रावित होता है और पश्चपाली से ऑक्सीटोसिन का श्रावण होता है। ऑक्सीटोसिन का जो श्रावण होता है इसके कारण, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के स्रावित होने के कारण जो बेबी रहता है, इन्फेंट रहता है शिशु जन्म के बाद, मेमोरी ग्लैंड में एक अतिरिक्त उभार के रूप में गाढ़े रंग की संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं निप्पल, ठीक है।
निप्पल को मुंह में लेकर शक करता है, उसके दौरान उसमें उत्तेजना आ जाती है, स्टिमुलेट होता है और जो मेमोरी ग्लैंड रहता है उसमें लगातार मिल्क का प्रोडक्शन होने लगता है और मिल्क बाहर निकलने लगता है। क्लियर है, निकलने लगता है। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं स्ट्रक्चर की, मेमोरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर या संरचना की। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर बनता है इसका, ज़्यादा कोई विशेष स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, वो ये जो सिंपल सा स्ट्रक्चर मैं आपके सामने ड्रा कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर को मैं ड्रा करने जा रहा हूँ, जो जो स्ट्रक्चर इसके अंदर आपको दिखाई देगी। ठीक है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर में आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, अतिरिक्त उभार के रूप में आपको दिखाई देगा ब्रेस्ट पर। ठीक है, इस प्रकार की अवस्था में ये दिखाई देगी। ठीक है, मैं इस स्ट्रक्चर में आपको इंटरनल जो जो ऑर्गन्स इसमें डेवलप होते हैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, ये सामने अग्र का भाग कहलाता है निपल। क्या कहलाता है ये? निपल कहलाता है, एरियोला का निपल बोलते हैं इसको, या एरियोला ऑफ निपल के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, एरियोला क्या होता है? एक पिगमेंट होता है एरियोला। ठीक है ना, एरियोला क्या होता है? एक पिगमेंट होता है, उससे बनी हुई एक संरचना होती है जिसको निपल कहते हैं। एक छोटी निकुली संरचना के रूप में निकला हुआ है पूरे स्तन के बीच में, गहरे रंग के गाढ़े रंग में ये आपको ही दिखाई देगा। क्लियर है, ये वही संरचना है जिसको बेबी स्तनपान के समय निप्पल को अपने माउथ में रखकर शक करता है, चूसता है, तब जाके यहाँ से मिल्क का जो प्रोडक्शन हुआ है अंदर मेमोरी ग्लैंड में बाहर आते जाता है, बाहर आते जाता है कंटिन्यूली। ठीक है, तो देखिए किसी भी ऑफ फीमेल्स के जो मेमोरी ग्लैंड होता है, दुग्ध ग्रंथि होती है, उसमें वास्तव में बहुत सारे प्रकार के ग्लैंड सेल्स पाई जाती है, बहुत सारे पिगमेंट पाए जाते हैं ग्लैंड सेल से, ग्लैंड्स टिश्यूज पाई जाती हैं। ठीक है, उसमें ग्लैंड सेल्स के रूप में क्या क्या मिलेंगे? फाइब्रस टिश्यू मिलेंगे, फैटी टिश्यू मिलेंगे, फैटी टिश्यू इसके साइड साइड में रहता है। ठीक है, इस प्रकार के फैटी टिश्यू इसके साइड में रहेंगे, दोनों तरफ रहेंगे, ऊपर और नीचे की तरफ फैट के रूप में रहेंगे, फैट मतलब वसा के रूप में रहेंगे, याद रखना, चारों तरफ से घेर कर रखेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो इसमें क्या पाई जाती है? कई प्रकार के डक्ट पाई जाती है, वाहिनियाँ पाई जाती है, फाइब्रस टिश्यूज के रूप में होती है, फैटी टिश्यू के रूप में होती है, अभी मैंने कहा। ठीक है, ये आउटर में मैंने बनाया है, ये कहलाता है फैट। क्या है ये? फैट। ठीक है, फैट टिश्यू के रूप में होता है, और पूरे फैट टिश्यू के रूप में अगर मैं इसको इस प्रकार का ऐसा शेप दे दूँ, ठीक है, मैं इसको ऐसा शेप देता हूँ इस प्रकार का। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको जितने भी स्ट्रक्चर दिखाई देंगी, ठीक है, वही इसका सबसे मुख्य स्ट्रक्चर होगा। जैसे ठीक है, प्रत्येक स्तन ग्रंथि के अंदर सभी जो मैमल्स होते हैं उसके जो फीमेल बॉडीज होती है उसके ब्रेस्ट में जो अतिरिक्त उभार होता है, ज़्यादा मात्रा में फैट और विभिन्न प्रकार के जो ग्लैंड टिश्यूज होते हैं, ग्रंथिल ऊतक होते हैं, उसकी उपस्थिति के कारण ये अतिरिक्त उभार के रूप में बन जाता है या कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हर स्तन में अंदर, हर मेमोरी ग्लैंड के अंदर 15-20 मेमोरी लोब्स पाई जाती है। हर मेमोरी ग्लैंड के अंदर 15-20 मेमोरी लोब्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मेमोरी लोब्स पाई जाती है। आपको पता होना चाहिए 15-20 लोब्स पाई जाती है। ठीक है ना, वो 15-20 लोब्स की जो संख्या है उसमें अनेकों लोब्यूल्स के संरचना पाई जाती है, अनेकों लोब्यूल्स होंगे उसके अंदर, कई एल्वियोलाई होंगे, एल्वियोलाई के बंचेस होंगे। ठीक है, तो लोब्यूल स्ट्रक्चर ऑफ अ लोब्यूल। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ लोब्यूल्स को। ठीक है, इस प्रकार से लोब्यूल्स के रूप में आपको ये दिखाई देगा। तो ये पूरे लोब्यूल्स जो होगा ऐसा एक के ऊपर एक ऐसा अरेंज दिखाई देगा आपको लोब्यूल्स। ठीक है, यही लोब्यूल्स कि आखिरी स्ट्रक्चर इस प्रकार से नलिका के रूप में यहाँ पर आके ऐसे ओपन रहती है। मान लो ये सारी लोब्यूल्स की नलिकाएँ कुछ इस प्रकार से, फिर इधर की इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से, एंड देन ये इस प्रकार से। ठीक है, आप समझ सकते हैं, ये जो नलिका है एक जगह पर नहीं रह के ऐसे चारों तरफ ऐसे फैली हुई रहती है नलिका लोब। ठीक है, ये मैंने कहा जो 15-20 लोब्स में बटी हुई रहती है।
ठीक है, 15 to 20 लोब्स में बटी हुई थी। पर लोब्स में और लोब्स होंगे, जिसको एक एक खंड को हम लोग बोलेंगे लोब्यूल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोब्यूल्स बोलेंगे। लोब्यूल्स मतलब खंडिकाएं बोलेंगे। ये जो खंडिकाएं, प्रत्येक खंड या पिंड किससे बने होते हैं? लोब्यूल्स के बने होते हैं। वो जो लोब्यूल्स होंगे, ये खंडिकाएं जो होंगे, उसमें एल्वियोलाई के गुच्छे बने हुए रहते हैं। क्या बने होते हैं? एल्वियोलाई के गुच्छे बने हुए होते हैं। और ये वाले पीछे वाला जो पोर्शन होता है, ये पीछे वाले पोर्शन को बोलते हैं सेक्शन ऑफ लोब्यूल्स बोलते हैं। सेक्शन ऑफ लोब्यूल्स बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर रहता है, संयोजी ऊतक यहाँ पर भरे हुए रहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है? आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर। इसमें जो लोब्यूल्स होते हैं, इसी लोब्यूल्स या कोपिका की कोशिकाओं से मिल्क या लैक्टेशन होता है, मतलब दुग्ध का श्रावण होता है। कोपिकाओं की जो गुहाएं होती है, आंतरिक जो कैविटी होती है, उसमें ये सारी बनती है, ग्लैंड्स में बनती है, उसके बाद इन कोपिकाओं में आके खुल जाती है। प्रत्येक पाली की जो डक्ट होती है, वाहिनियाँ होती है, ट्यूब्यूल्स होती हैं, उससे होता हुआ मेम्ब्रेन डक्ट का निर्माण करती है। ये जो लाइन मैंने बनाया है, ये मेम्ब्रेन डक्ट है। क्या है? मेमोरी डक्ट, ठीक है, मेमोरी डक्ट या स्तन ग्रंथि, स्तन वाहिनी भी बोल सकते हैं इसको। ये जो मेमोरी डक्ट होती है, ये सभी वाहिनियाँ मिलकर एक तुम्बिका बनाती है, ठीक है, जिसको लैक्टिफेरस डक्ट कहती हैं, अर्थात जहाँ से मिल्क बाहर निकलती है, लैक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं इसको। जहाँ से बाहर निकलती है उसको क्या बोलेंगे? लैक्टिफेरस डक्ट बोलेंगे, ठीक है। लैक्टिफेरस डक्ट बनाती है, सारे डक्ट मिलकर इसी जगह से दुग्ध वाहिनी दुग्ध के रूप में स्तन से बाहर निकलती है। क्लियर है? ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। ये जो अभी मैंने कहा, जो लोब्यूल्स होते हैं, जो खंडिकाएं होती है, अनेक छोटे छोटे ग्रंथियों से मिलकर बनी होती है, सेक्रेटरी साइनस बनाती है। ये पूरे मिलकर क्या बनाता है? ये वाला नलिका वाला हिस्सा जो होता है ना, इसको बोलते हैं सेक्रेटरी साइनस बोलते हैं इसको, साइनस, ठीक है। लेकिन ये लैक्टिफेरस बोलेंगे इसको। लैक्टिफेरस मतलब फाइब्रस होते हैं, लैक्टिफेरस मिल्क का श्रावण करता है, ये लैक्टिफेरस डक्ट कहलाता है, ठीक है। ये जो निपल है, इसको बोलते हैं एरियोला ऑफ निपल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर जो सकरी नली होती है, सकरी नलिका से होता हुआ मिल्कअप शरीर से बाहर निकलता है। कोटर की बात आगे हमने किया, साइनस की बात अगर हमने किया, ये जो साइनस है, इन साइनस में मिल्क को कलेक्ट पहले किया जाता है, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद में और सूक्ष्म पतली ये नलिका और पतली हो जाती है, और सूक्ष्म नलिका के रूप में ये निप्पल की त्वचा पर खुलते हैं, निप्पल की त्वचा पर खुलते हैं, स्किन पर खुलते हैं, ठीक है। जो फाइब्रिल्स या फाइब्रस जो टिश्यूज होते हैं, ग्लैंड्स टिश्यूज होते हैं, वो उसमें ट्यूब्यूल्स को सहारा देने के लिए, उसमें वसी ऊतक का संरचना दोनों तरफ आपको दिखाई देगा, इसको सहारा देने के लिए वसी ऊतक होते हैं, ठीक है। एक बीच बीच में स्थित होता है, स्तन के बीच बीच में स्थित होंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके चारों ओर एरियोला की पिगमेंट पाई जाती है, इसके चारों ओर एरियोला के पिगमेंट पाई जाएंगे, ठीक है। एरियोला का मतलब होता है, आपको पता होना चाहिए, जो स्तन का अग्रभाग होता है उसके चारों तरफ गहरे रंग वाला स्थान, एरियोला, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर देखना है, गहरे रंग होता है, ठीक है। उसके बाद में ये निप्पल आपको दिखाई देगा, क्लियर है। इस हिस्से में सीबेसियस ग्लैंड पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए। क्या ग्लैंड पाई जाती है? सीबेसियस ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। सीबेसियस ग्लैंड का मतलब ही होता है एक विशेष प्रकार की तेली ग्रंथि, जिस जो यहाँ पर सतह पर पाई जाती है, सतह पर खुलती है। इसको मोंटोगेमरी नलिकाएं भी कहते हैं, याद रखना, मोंटोगेमरी नलिकाएं भी कहते हैं। इसका काम होता है जब इसका श्रावण हो तो गर्भावस्था के दौरान और स्तनपान के समय स्तन के अग्रभाग को, निप्पल वाले हिस्से को चिकना बनाए रखता है। इसका काम है सीबेसियस ग्लैंड का, ठीक है। अगर काम की बात करें, फंक्शंस की बात करें मेमोरी ग्लैंड का, तो सबको पता है कि प्रसव के बाद, अर्थात गर्भावस्था में ही ये सक्रिय रहेगा। प्रसव के बाद बच्चे को दुग्ध श्रावण के लिए इसी अंग का डेवलप होना काफ़ी ज़रूरी रहता है, ठीक।
क्लियर है, ये सारी चीज़ें अभी जो मैंने बताया ये मेमोरी ग्लैंड का है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड किस किस हार्मोन से एक्टिवेट हो रहा है, और मैंने ऊपर बताया था प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन के बारे में मैंने चर्चा किया था शुरुआती में, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के द्वारा ये कंट्रोल होता है, मैंने ऐसे बताया था। तो इस कंटेंट को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, एग्ज़ाम में हार्मोन से रिलेटेड सवाल बहुत बार पूछा गया है, हार्मोन्स आप अच्छे से तैयारी करिए यहाँ इस चैप्टर से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो और न्यू वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले, पहले मिले, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा, तब तक के लिए सबको बाय, और आज के लिए थैंक यू।